अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बर्गर। चिकन बर्गर बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बर्गर के साथ फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने 3 अदद बड़े आलू लिए, ऐसे टुकड़ों में मैंने काट लिए, और मैंने नमक डाल के पानी में इनको आधा घंटा भिगो दिया था। 3 अदद मैंने बंद लिए जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिए। ये कबाब है, चिकन कबाब, जिसकी ये चिकन कबाब है, इसकी रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। ये मैंने बंद गोभी ली है जिसको मैंने बारीक बारीक धो के काट लिया है, और इसका हम कोसलो तैयार करेंगे। खीरा लिया है जिसके मैंने स्लाइस काट लिए। एक टमाटर लिया है जिसके मैंने गोल स्लाइस काटे हैं। इमली ली है, 4 अदद मैंने इसके 4 टेबलस्पून है, यानी कि ये इमली, इसका पलक मैंने बना लिया है। और 1 टेबलस्पून मैंने ये हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और ज़ीरा डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ये पिंच ऑफ नमक, पिंच ऑफ काली मिर्च पिसी हुई, आधा टीस्पून पिसी हुई चीनी, ये मायनीज है, और ये टमाटो केचप है। चले आए हैं व्यूअर्स, बर्गर बनाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ्राइज़ को फ्राई करेंगे और कबाब को फ्राई करते हैं। सबसे पहले बर्गर के लिए खट्टी चटनी बनाते हैं जो इसके ऊपर हम लगाएंगे। ये इमली का पल्प है, अब मैं इसमें ये शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल करके मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मैंने दोनों चटनियों को मिक्स कर लिया है, माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, ये एक तो साफ़ सुथरे घर के बनेंगे बाज़ार की निस्बत, और ये मज़े और टेस्टी भी बनेंगे। और ये जो खट्टी चटनी है हमने तैयार की, ये हाजमेदार भी है, और माशाल्लाह ये अच्छी बने, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। अब कोसलो बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैं नमक, पिसी हुई चीनी और काली मिर्च डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मैं मायनीज डालूंगी। माशाल्लाह, कोसलो वैसे भी खाएं, मज़े का बनता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और साफ़ सुथरा ये बनेगा घर का। इसको डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। फिर ये तकरीबन मैंने आधा कप लिया है मायनीज़ का, अब इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा इसका कलर है। बंद गोभी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटी है। देखिए बर्गर के लिए कोसलो हमारा रेडी हो चुका है, जिसको मैंने मायनीज़, नमक, काली मिर्च और चीनी डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इनको एक साइड पर रखती हूँ। आइए अब हम बर्गर की सॉस बनाते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए टमाटो केचप और मायनीज़ मैं डालूँगी तकरीबन 1/4 कप। सॉस बनाने के लिए मैंने 1/4 कप लिए मायनीज़, और 1/4 कप ही लूँगी मैं केचप। इनको डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। देखें व्यूअर्स, सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है। आइए अब हम बर्गर को असेंबल करना शुरू करते हैं। देखें फ्राइज भी हमारे रेडी हो चुके हैं, इधर कबाब भी हमने रेडी करके निकाल लिए फ्राई करके। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यार। अब बर्गरों को हल्का हल्का हम सेक लेंगे ऐसे करके। आइए बर्गर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये खट्टी चटनी लगाऊँगी। लगा के मैं अच्छी तरह इसके ऊपर मिक्स करूँगी। माशाल्लाह ये घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ें हैं।
चटनी को लगा ली है। अब मैं इसके बाद सॉस लगाऊंगी। चटनी लगाने से और सॉस लगाने से बर्गर एक तो सूखे नहीं बनेंगे और सौगी सौगी अच्छे लगेंगे, टेस्टी बनेंगे। इससे सॉस लगा दी। अब मैं इसके ऊपर कोसलो लगाऊंगी दरमियान में। कोसलो मैंने एक टेबल स्पून लगाया है। अब मैं इसके ऊपर कबाब रखने लगी हूँ, चिकन कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको अच्छी तरह फ्लैट करूँगी कबाब को। अब मैं इसके ऊपर खीरा और टमाटर रखूँगी। अब मैं इसके ऊपर बर्गर का दूसरा पीस रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्गर हमारा रेडी हो गया। आइए मैं आप दूसरा बर्गर इसी तरह असेंबल करके आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, मज़ेदार चिकन बर्गर रेडी हो चुके हैं। साथ में मैंने कोसलो टेस्ट किया है और मैंने फ्राइज़ के ऊपर सिर्फ चाट मसाला किया है, ऊपर डाला है। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे टेस्टी बने हैं, साफ़ सुथरे बने हैं। व्यूअर्स आप भी बनाएं, बच्चों के लिए भी बनाएं। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि घर के साफ़ सुथरे हैं। व्यूअर्स दुआओं में याद रखना, अल्लाह आप सबको खुश रखे। व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे हौसला बढ़ेगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।